नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। डीग में शनिवार के दोपहर 3:30 बजे नगर रोड पर दो बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक युवक गंभीर घायल होकर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया। दो बाइक सवार युवक बंसी उम्र 22 साल, शुभम उम्र 23 साल, शादी में शामिल होने के लिए गाँव पुछरी से पेरखू जा रहे थे। बाइक सवार युवक गंगाराम यादव उम्र 25 साल डीग की तरफ से अपने गाँव बलदेववास जा रहा था। नगर रोड ब्रजवासी होटल के पास दोनों बाइक आमने सामने टकरा गई। बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा दिए गए अस्पताल लाया गया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौधरी ने चेक करने के बाद गंगाराम यादव को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक गंगाराम के परिजनों को सूचना दे दी। मृतक गंगाराम के शव को डीग अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घायल शिवम उम्र 23 साल को हायर सेंटर भरतपुर रेफर कर दिया। वही वंशीलाल का डीग अस्पताल में इलाज जारी है। दो लोग घायल हैं, एक हो चुकी है जो बंदरगाह रहने वाले हैं। क्या नाम है उनका? नाम है गंगाराम यादव। ठीक है, बाइकों में एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? होटल है अपने ब्रजवासी होटल के पास में। तो इसमें गंगाराम सनाव काम पुजारी यादव बलदेव का पास बीच की तरफ से जा रहा था और शुभम सुनो ओसिया गुजर निवासी पूछ रही, ये दो बैठे थे जो नगर की तरफ आ रहे थे। दोनों बाइकों में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें गंगाराम की मृत्यु हुई। तो कितने घायल हैं? दो घायल हैं, एक तो गलत कर दिया है।